मंच पे मौजूद मेरे भाई और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब, हमारे राज्यसभा के सांसद और हरियाणा के अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी, राज्यसभा के सांसद संदीप पाठक जी, अशोक तंवर जी, अनुराग ढांडा जी, चित्रा जी, हरियाणा प्रदेश की सभी लीडरशिप और हरियाणा के कोने कोने से आए हुए मेरे सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरी राम राम। आई लव यू टू। आज से हरियाणा प्रदेश में बिजली आंदोलन का आगाज किया जा रहा है, उसकी शुरुआत की जा रही है। बिजली आंदोलन क्यों शुरू करना पड़ा, आप सब लोग जानते हो, मैं खुद हरियाणा का रहने वाला, हरियाणा में पैदा हुआ, बहुत सारे रिश्तेदारियां, बहुत सारे दोस्त यार, तो हरियाणा से बहुत लोग आते रहते हैं मेरे पास। उन लोगों से जब चर्चा होती थी तो उन्होंने बताया कि इस वक्त हरियाणा के अंदर बिजली की इतनी बड़ी समस्या है, इतनी बड़ी समस्या है। अभी सुशील गुप्ता जी ने अपने उद्बोधन में कई सारी समस्याओं की चर्चा की, उन सबका आने वाले समय में एक एक करके सब बातें उठाएंगे, लेकिन आज बिजली की बात करूंगा। केवल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बिजली के पावर कट लगते हैं कि नहीं लगते? कोई कहता है 6 घंटे के लगते हैं। अच्छा, ये अभी बता रहे थे, ये जो बिजली गई थी अभी, ये जनरेटर से चल रहा है, बिजली आई नहीं है अभी। कोई कहता है 8 घंटे के लगते हैं। मैंने भी एक बीजेपी का कोई नेता, उसने ट्वीट किया अभी थोड़े दिन पहले, उसने कहा मैं दिल्ली से गुड़गांव शिफ्ट हुआ हूं और यहां पे 8-8, 10-10 घंटे के पावर कट लग रहे हैं। दिल्ली में 1 मिनट बिजली नहीं जाया करती थी। तो बीजेपी वाले भी मानते हैं कि दिल्ली में बिजली नहीं जाती और गुड़गांव में 8-8, 10-10 घंटे के पावर कट लगते हैं। तो पावर कट लगते हैं कि नहीं लगते? बिजली के बिल ज्यादा आते हैं कि नहीं आते? हाँ, ये भी मैं, नॉन एनर्जी चार्जेस ऐसे कुछ, सरचार्ज, नॉन एनर्जी चार्ज, पता नहीं क्या क्या चार्ज लगा रखे हैं, बताइए। तो बिजली के बिल, मेरे को कोई बता रहा था 200 यूनिट बिजली अगर खपत करो तो 1200-1300 रुपए का बिल आता है। दिल्ली में 0 बिल आता है 200 यूनिट इस्तेमाल करो तो। मेरे को कोई बता रहा था कि 300 यूनिट इस्तेमाल करो तो 1700-1800 रुपए का बिल आता है, बताओ। पंजाब में 300 यूनिट इस्तेमाल करो तो भगवंत मान साहब ने 0 का रखा है बिजली का बिल। और बताते हैं, अभी जैसे अम्मा बता रही थी वहां पे, 1,40,000 उनकी, आप शक्ल देखो, इतनी गरीब अम्मा बता रही है, एक बल्ब, एक पंखा, उनकी लड़का हैंडीकैप्ड, विधवा औरत, 1,40,000 आ सकता है उनका बिल? नहीं आ सकता। फिर ऐसा लोगों के इतने गलत बिल बना रखे हैं, इतने गलत बिल बना रखे हैं इन्होंने कि लोग चक्कर काट रहे हैं, लोगों की चप्पलें घिस गई, जूते घिस गए बिजली दफ्तर के चक्कर काट काट के। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब?
और गलत बिल भेज देंगे, उसको ठीक नहीं करेंगे, और जब ठीक नहीं करेंगे कहेंगे भरो, और भर सकते नहीं हम, फिर आके बिजली का कनेक्शन काट के चले जाएंगे। है तो होता कि नहीं होता? फिर आप कहा के बिजली का कनेक्शन काट के चले जाएंगे, बिजली बिना गुजारा नहीं है। जब वो कनेक्शन काट के जाते हैं तो फिर चोरी से एक तार डालनी पड़ती है, फिर चोरी का केस बना देते हैं। होता कि नहीं होता ऐसे? यही मेरे को सबने बताया, जितने लोग मेरे पास आए बोले जी बहुत बुरा हाल कर रखा है। और फिर गांव के अंदर कभी किसी के घर पे रात को सवेरे 4 बजे रेड मार देंगे किसी के घर पे, करते हैं कि नहीं करते? 4 बजे सवेरे रेड मार देंगे, रात को 12 बजे रेड मार देंगे। महिलाएं होती है घर के अंदर, उनके साथ बदतमीजी करते हैं, गांव वाले अगर इकट्ठे हो जाएं तो उसके ऊपर केस बना देते हैं, 4 केस बना देते हैं, पकड़ के जेल में डाल देते हैं। अभी मैंने अखबार में पढ़ा था कोई गांव धमतान साहब नरवाना में 45 साल का एक लड़का सुरेश, उसने आत्महत्या कर ली इन बिजली वालों से तंग आके। उसके घर भी रेड मारी, उसके घर भी रात को रेड मारने पहुंच गए, और उसने जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, उसके ऊपर झूठे सच्चे केस कर दिए और उसने बेचारे ने आत्महत्या कर ली। मैं मन में सोच रहा था 75 साल हो गए आजादी के मना रहे हम लोग, 75 साल में इन पार्टियों से एक बिजली ठीक नहीं हुई, तो ये क्या देश संभालेंगे? 5 साल में मैंने दिल्ली में बिजली ठीक कर दी, दिल्ली में बिजली के बिल 0 आते हैं, 24 घंटे बिजली आती है, 5 साल में मैंने बिजली की ठीक कर दी, 1 साल में भगवंत मान ने पंजाब की बिजली ठीक कर दी। यही हाल था सारा का सारा जो आप बता रहे हो। दिल्ली में पहले जब मेरे को याद है 2014 की गर्मियां याद है मेरे को दिल्ली की, ये दिल्ली का मैं नहीं कह रहा जी, ये तो दिल्ली वासी है। 0 बिजली के बिल आते हैं, 5 साल से ये बता रहे हैं 0 बिजली का बिल आ रहा है इनका, शकूर बस्ती का, दिल्ली का, और रोहतक में 8-8 घंटे के, 6-6 घंटे के। दिल्ली के अंदर इन्वर्टर की दुकानें बंद हो गई, पानी आ रहा है बहुत अच्छा, टैंकर आने बंद हो गए, पाइपलाइन लग गई, पाइपलाइन से पानी आ रहा है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा। तो दिल्ली में और पंजाब में, दिल्ली में 5 साल में हमने बिजली पहले 6-6, 8-8 घंटे के पावर कट लगते। सर मेरे घर में लड़का काम करता है, वो पहले संगरूर में भी हमारे घर में काम करता था, वही लड़का अब चंडीगढ़ में हमारे साथ ही आ गया, वो रसोई में काम करता, तो संगरूर के पास उसका गांव है। तो मैंने उससे पूछा कि बिजली का बिल आ गया? तो कहता जी आ गया। मैंने कहा कितना आया? कहता जी मेरे बड़े भाई को पता। मैंने कहा मंगवा बिल व्हाट्सएप पे। तो उसने व्हाट्सएप पे बिल मंगवाया, कहता जी बिल तो आ गया लेकिन 40 रुपए लिखा हुआ है, लेकिन 40 के आगे एक डैश है। मैंने कहा इसका मतलब मुझे दिखा। मैंने कहा इसका मतलब है -40। कहता ये क्या होता सर? मैंने कहा बिजली बोर्ड ने आपके 40 रुपए देने हैं। कहता शुक्र है जी किसी ने हमारे भी देने हैं। बस मैं थोड़ा सा बोल लूं, नहीं तो बताओ ऐसे ही बोल दो जोर से। अब मैं इसका समाधान बताता हूं। देखो जब दिल्ली में हमने सरकार संभाली उस वक्त 6-6, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे, बिजली इतनी महंगी थी। मैंने 15 दिन, डायबिटीज का पेशेंट हूं मैं, शुगर की बीमारी है मेरे को, 15 दिन मैंने शीला दीक्षित जी के खिलाफ बिजली के खिलाफ आंदोलन किया था, भूखा रहा था मैं, भूख हड़ताल करी थी मैंने। मैंने कहा शीला जी बिजली के रेट कम करो, वो नहीं मानी, और जब वो नहीं मानी लोगों ने उसी को बदल दिया, हमारी सरकार बनी, 49 दिन की सरकार बनी, 49 दिन में आते ही हमने बिजली के बिल 0 कर दिया, अगली बार लोगों ने 67 सीट दे दी। उसके बाद पंजाब में भी यही हाल था, इतने गलत बिल आते थे, किसी का 1,40,000 का, किसी का 30,000 का, किसी का 50,000 का। हमने इसका एक तरीका निकाला, हमने सोचा
इतने 50-55 लाख परिवारों के बिजली के बिल अगर गलत हैं, इनको ठीक करते करते तो पता नहीं 150-200 साल लग जाएंगे। एक बार में हमने ऐलान कर दिया 31 दिसंबर तक के जिसके जितने बिल पेंडिंग पड़े हैं सारे माफ। करा था भगवंत आपके यहां भी ऐसे करा था हमने, दिल्ली में भी ऐसे, जितने एरियर थे आपके पुराने उनको ठीक करने में हमारी नानी याद आ जाती है। हमने कह दिया 31 दिसंबर तक के जितने बिजली के बिल पेंडिंग है सारे माफ, सबके जीरो हो गए पुराने और नए बिल आने बंद हो गए, इसीलिए जीरो बिल आ रहे हैं। आपने कभी सोचा भाई अभी तो 200 यूनिट हमने माफ कर दी लेकिन पुराने बिल का क्या हुआ? पुराने भी सारे माफ कर दिए, लोगों को इतना सुकून मिला। पुराने बिल माफ करने से क्या हुआ? जिन लोगों के ऊपर पेनल्टियां लगी पड़ी थी, इंटरेस्ट आ रहा था, कनेक्शन काट के चले गए थे, बिजली चोरी कर रहे थे लोग, वो सारे जो दो नंबर का काम करने के लिए मजबूर थे वो सारे एक नंबर वाले हो गए। सबने बिजली के कनेक्शन ले लिए, सबने बिजली अपना इस्तेमाल करनी चालू कर दी, लीगल कनेक्शन मिल गए, कनेक्शन हमने बांटने चालू कर दिए, जो आए कनेक्शन लो, जो आए कनेक्शन। सबकी जिंदगी जो बिजली चोर, बिजली पंजाब में तो ये हाल था, कई बार हम किसी गांव में कैंपेनिंग करने चले जाते थे, लोग अपने घर में घुस जाते थे, उनको लगता था बिजली वालों की रेड पड़ गई। अब उन लोगों को किसी को, सब डर की जिंदगी जी रहे थे, सब लोगों ने डर की जिंदगी जीनी बंद कर दी, सबकी बिजली के पुराने बिल माफ और सब। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जैसे अभी मान साहब ने कहा, हमारी नीयत साफ है। एक ही चीज है, मैं तो कहता हूं नीयत साफ है, सरकारों में पैसे की कमी नहीं है, उनकी नीयत खराब है, उनकी नीयत खराब है। अभी अभी मेरे को कोई बता रहा था जिससे बिजली कंपनी से ये बिजली खरीदते हैं, उसके साथ 25 साल का इन्होंने ठेका किया, इस रेट पे बिजली खरीदेंगे और उस भी उस कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए ठेका करने के बाद कुछ सालों के बाद उसके रेट बढ़ा दिए। तो रेट तो आप नहीं देने हैं, बिजली के रेट तो आपको आपके ऊपर। तो इनकी नीयत खराब है, ये बिजली वालों से मिले हुए हैं, बिजली कंपनियों से मिले हुए हैं। दिल्ली में टाटा और अंबानी ये दो कंपनियां बिजली देती हैं, हमको बिजली कंपनियां बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। इन्हीं कंपनियों ने पहले इतना वो मचा रखा था, जब हमारे से पहले वाली सरकार थी, हमारी सरकार आई ठीक हो गई कंपनियां, क्योंकि उनको पता था कि अब ये कंपनियों को, इनको रिश्वत देने से काम नहीं चलेगा। पहले बिजली कंपनियों से मिली हुई थी सरकारें, अब बिजली कंपनियां वही ठीक हो गई। हमारी नीयत साफ है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, हम पढ़े लिखे हैं, ये बड़ा जरूरी है, वो चौथी पास है, वो अनपढ़ है, उनको सरकार चलानी नहीं आती, वो अनपढ़ हैं, चौथी पास हैं। अब जब जाओगे, आपको इसके बाद, आज से बिजली आंदोलन शुरू हो रहा है, घर घर जाओगे आप, गांव गांव में जाओगे आप, गांव गांव के अंदर मीटिंग करेंगे, अभी अगले महीने, दो महीने, तीन महीने आंदोलन चलेगा बिजली का, गांव गांव में मीटिंग करेंगे, घर घर जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, उनको बताना पड़ेगा किस तरह से ये लोग बिजली कंपनियों के साथ मिले हुए हैं, इसलिए आपके बिजली का बिल जीरो आ रहा है। और अगर एक साल के अंदर भगवंत मान ने पंजाब के अंदर 24 घंटे बिजली कर दी, तो बिजली 24 घंटे तो हो सकती है, इसका मतलब कमी तो नहीं है बिजली की। एक और चीज आपको बता दूं, पूरे देश की, पूरे देश में 4 लाख मेगावाट बिजली के उत्पादन की क्षमता है अपनी, और बिजली की डिमांड है 2 लाख मेगावाट की। पूरे देश की बिजली की डिमांड 2 लाख मेगावाट की और बिजली बनाने की क्षमता अपनी 4 लाख मेगावाट की, फिर बिजली की कमी तो होनी नहीं चाहिए अपने देश के अंदर। कहां जा रही है ये बिजली? क्यों नहीं बना रहे हम बिजली? क्योंकि वो चौथी पास है, उसको समझ ही नहीं है, 24 घंटे नौटंकी करता है वो, इसीलिए पढ़ा लिखा आदमी चाहिए। तो जब आप जाओगे
उनको बताना कि किस तरह से घर घर में जाके आपको सबको बताना है कि अब अपने को पढ़ी लिखी सरकार हरियाणा में भी चाहिए। जैसे भगवंत मान साहब ने कहा, अगर पंजाब में फ्री बिजली मिल सकती है, दिल्ली में फ्री बिजली मिल सकती है, हरियाणा में भी मिल सकती है, क्यों नहीं मिल सकती? मॉडल दिखा दिया अब हम लोगों ने, 24 घंटे बिजली भी मिल सकती है, फ्री में भी बिजली मिल सकती है। ये हमसे पूछा करते थे, हमारे ऊपर चैलेंज करते थे जब दिल्ली का मैं चुनाव लड़ा, पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा। अब पैसा भी आ गया, दिल्ली सरकार घाटे में नहीं चल रही, फायदे में चल रही है दिल्ली सरकार। हमारा बजट घाटे में नहीं है, फ्री बिजली दे के भी घाटे में नहीं है। पंजाब सरकार का रोज बजट बढ़ता जा रहा है, रोज बजट बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे करके जितना कर्जा पंजाब पे चढ़ा हुआ था सारा कर्जा उतार रहे हैं अब धीरे धीरे, इतना कर्जा इन्होंने चढ़ा। क्यों? नीयत साफ है, ईमानदार लोग हैं हम लोग। तो ये जाके आप लोगों को बताना है, कोई एक कांग्रेस का राज्य बता दो जिसमें 24 घंटे बिजली आती हो, कोई एक। कोई एक बीजेपी का राज्य बता दो जहां 24 घंटे बिजली आती हो, ये पूछना जाके, कोई नहीं है। पूरे देश में 75 साल में एक राज्य बता दो जहां कांग्रेस ने 24 घंटे बिजली कर दी हो, जहां बीजेपी ने 24 नहीं करी। तो इनकी, इनको दोबारा वोट दोगे तो बिजली के पावर कट ही लगेंगे, और इनको दोबारा वोट दोगे तो इतनी महंगी कर देंगे, पूरी कमाई बिजली के बिल में चली जाएगी, फिर भी पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही चारा है ये, हम अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, आपकी बात कर रहे हैं, आपके परिवार की बात कर रहे हैं। अगर बिजली, आज बिना बिजली के तो काम नहीं चलता, अगर बिजली 24 घंटे चाहिए और बिजली फ्री चाहिए तो एक ही ऑप्शन है, आम आदमी पार्टी, झाड़ू। तो आने वाले समय के अंदर, अगले महीने दो महीने, हम लोग इस आंदोलन को पूरे उसमें चलाएंगे। आप सब लोगों को जाना होगा। एक चीज आपको बता दूं, दिल्ली का चुनाव, पहला चुनाव केवल बिजली के मुद्दे पे लड़े थे हम लोग, और पहली बार पार्टी बनी थी 12 महीने के अंदर बिजली के मुद्दे पे लड़के हम हरियाणा का, पर दिल्ली का चुनाव जीत गए थे। अगली बार पंजाब का चुनाव भी बिजली के मुद्दे पे लड़े थे। घर घर इस मुद्दे को पहुंचा दो, अगली साल हरियाणा के अंदर आपकी सरकार बन जाएगी। ये मैं, बहुत दुख होता है जैसे भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जैसे मान साहब ने कहा, आज पूरे, अगर इन लोगों ने काम कर लिया होता, हम लोगों को क्या जरूरत थी राजनीति में आने की। मैं भी अपना इनकम टैक्स की नौकरी कर रहा था, ये भी अपना शो करता था, मनीष सिसोदिया पत्रकारिता करता था, सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे। इन लोगों ने देश का बेड़ा गर्क किया, तब ये मन में आया। अन्ना जी ने कहा राजनीति कीचड़ है, मैंने अन्ना जी को यही कहा था, तब कहा, मैंने कहा अन्ना जी अब तो कीचड़ में उतरना ही पड़ेगा झाड़ू लेके, इसके बिना कोई काम नहीं चलेगा, तो इस झाड़ू से अब सफाई करेंगे। दिल्ली की सफाई करी, पंजाब की सफाई करी, अब हरियाणा की बारी है, हरियाणा की भी सफाई करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। भारत माता की जय।